सत श्री अकाल जी। साढ़े इस अंदोलन के नाल जुड़े हुए देशों विदेशों में बैठे मेरे बहुत ही प्यारे किसान मित्रों, आप सब ने बड़ी शिद्दत दे नाल इस अंदोलन का सहयोग कर रहे हो ते तुहानू ये दसना बहुत जरूरी है कि जिस तरह कल पूरे हिंदुस्तान दे विच एक परचा पाया गया सी अपने संगठनों वालों के देखते हैं कि कितों तक साडा ये अंदोलन फैल चुका है। तो ये पता लग्या है कि पूरे देश के अंदर ये रेल नू रोकया गया लोगों ने। जिहड़ा सब तो वड्डी गल देखण वाली है कि जिवें यूपी के अंदर एक बार ये गल आई सी कि यूपी के शायद ये प्रोटेस्ट कामयाब ना हो पावे, तो यूपी के लगभग 15 तो उपर थां वो ने जिथे लोगों ने रेल रोक ली और 9-10 थां वो ने जिथे लोगों नू रेल रोकण तो प्रशासन ने मतलब रोकना पिया, प्रशासन नू अगों सामना करना पिया लोगों का। तो इहदा मतलब है कुल मिला के 25 तो 30 थावां दे उत्ते मतलब इस प्रोटेस्ट ने यूपी दे विच मतलब अपना फैला किया। तो इहदा मतलब ये निकलता है कि पूरा देश अज इस अंदोलन दे नाल जुड़ चुकिया और जुड़ता जा रहा है। इसलिए जिस जिवें जिवें देश जुड़ता जा रहा है उवें उवें नाल दी नाल साडी सरकार भी अंदरों भावें घबराई हुई है पर बाहरी तौर दे उत्ते एक तरह का प्रैशर लोगों के उत्ते बनाउण दे उत्ते मतलब लगी हुई है, जुटी हुई है, जिहदे विच इसे ही प्रैशर के तहत बहुत सारे उन्हां लोकां नूं नोटिस जा रहे हैं जिन्हां लोकां दा बिल्कुल लाल किले दे नाल जां कुछ उन्हां उस मार्च दे नाल कोई संबंध नहीं है और उन्हां लोकां नूं भी मतलब नोटिस भेजे जा रहे हैं। एक केवल एक तरह का दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है सरकार वालों। तो मैं बेनती करूँगा कि देखो आपां अंदोलन कर रहे हैं, दो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़न वाले लोगों मानसिक तौर के उत्ते इन्ने तैयार होना पैना तो होना चाहिए है कि चाहे सरकार कुछ भी करे, अगर असी जमीन की राखी करनी, असी अगर जमीन आपदियाँ बचाउनियां तो फिर भावें सानू जेल जाना भी पवे सानू कोई चिंता नहीं करन दी लोड़ है। सानू एकजुट हो के एकता बना के इस लड़ाई के मैदान के विच उतरन दी लोड़ है। जिन्हें वीरां नू नोटिस आ रहे ने, संयुक्त किसान मोर्चा तुहाडे सारयां दे नाल है और आने वाले दिनों के संयुक्त किसान मोर्चा ऐसी काल देन जा रहा है जिदे नाल तुहाडियां इन्हां समस्यावां दा भी हल करन दा यतन करांगे असीं। सो इसलिए इस गल तो डरन दी लोड़ नहीं है, ये सारा कुछ सरकारां करदियां हुंदियां। मैं खास करके जिहड़े मेरे पिंडां दे विच बैठे लोक वीर ने जिन्हां नूं अजिहे नोटिस आ रहे ने, वो साडे नाल तालमेल करो, सानू दसो। साडा जिहड़ा वकीलां दा पैनल है लगभग 150 वकील है जिहड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट तुहाडा अंदोलन नू कवर कर रहा, तुहाडे अंदोलन दे विच जिन्हां दे परचे दर्ज होए ने उन्हां सारयां दी मदद कर रहा है। और उन्हां नू भी मैं बेनती करूँगा जिहड़े वीर दी मैनूं अज इत्थे इनफॉर्मेशन मिली है टिकरी बॉर्डर ते कि वकील साहब दस रहे सीगे कि किसी ने यह कहा कि वकीलों ने 5 लाख रुपया असी वकीलों नू देता ते होर हजे देना बाकी है। अगर अजिही कोई गल है तो बिल्कुल गलत गल्लां कीतियां जा रही हैं। किसी वकील वालों हजे तीकर ना किसी पैसे की मंग हुई है, ना किसी वकील नूं दिता गया, ना कोई वकील मंग रहा। वकील तो बेचारे सेवा भावना नाल लगे हुए ने। सो इस करके जिहियां गल्लां नूं मतलब फैलाउण तो एक तरह की नैगेटिविटी फैलाउण दे उत्ते मतलब कोशिश की जा रही है, अजिहा कुछ नहीं करन दी लोड़। सानू एकजुट हो के इस अंदोलन नूं अगे वधाउण दी लोड़ है। जिवें जिवें ये अंदोलन अगे वधेगा उवें उवें मतलब सरकार का बीजेपी सरकार का ग्राफ डाउन जा रहा है। अगर जिवें जिवें बीजेपी सरकार का ग्राफ डाउन जाएगा तिवें तिवें तुहाडा हर एक कदम सफलता वल नूं वधेगा। चिंता नहीं करनी, अंदोलन लंबा जरूर हो सकता है, लंबा अंदोलन लड़न लई सानू मानसिक तौर पर तैयार होना पैना है। सानू मन इन्ना तकड़ा करना पैना कि जिन्नी देर तक बीजेपी की सरकार की टर्म बाकी है उन्नी देर तक सानू ये अंदोलन भी जारी रखना पै सकता है और सानू उन्ना समय लई जेलों के भी बंद रहना पै सकता है। अगर बच्चों की जमीन बचाउनी है, अगर रोजी बचाउनी है, अगर हर एक ने रोटी खांदे रहना है तो बहुत जरूरी है कि सरकार जो करना चाहे करे, लेकिन असी तो पिछे नहीं हट सकते और ये मन बना के अंदोलन के कुदिए ताकि कुछ भी होवे सरकार की हर एक चाल नू नाकाम करते हुए। जिस तरह अज हरियाणा यूपी ने बहुत बड़ा मतलब सहयोग देना शुरू किया है, राजस्थान ने टोल फ्री कर दिते, और मैं इदू भी गाहां गल करा कि साडा बिहार के बहुत बड़िया बड़िया रैलियां हो रही ने, महाराष्ट्र साढ़े नाल आके खड़ा हो गया, कर्नाटक साढ़े नाल खड़ा हो गया, तमिलनाडु साडे नाल खड़ा है। सो इस करके कोई यह जी गल नहीं, कोई डरन वाली गल नहीं है। सरकारां दा प्रेशर पाउण दा एक तरीका हुंदा है, वो पा रही है। अंदोलनकारियां नूं जिन्ना मर्जी सरकार दबावे, जिन्ना मर्जी कुछ करे,
इन्हां दबा दे थले आ के असीं अंदोलन तो पिछे नहीं हट सकते। सानू साडे बच्चों की जमीन नूं बचाउण दे लई इस अंदोलन नूं होर अगे वधाउणा पैणा, वधाउण दी लोड़ है और एकता बना के तकड़े होकर इस अंदोलन नूं मजबूत करो। सो मेरे इन्नी क बेनती नूं तुसीं मतलब सारे मेरे वीर है जिथे जिथे बैठे है हौसला रख के बड़ा वड्डा दिल रख के एवं नोटसा नारसा तो डरो ना जिन्होंने नोटस आ रहे हैं। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा पूरे का पूरा जिहड़ा साडा मतलब किसान अपना वकीलों का जो पैनल बनया होया 150 वकील है जिहड़ा तुहाडे नाल धिर बन के खड़ा है और हर थां दे उत्ते तुहाडी मदद करन लई तैयार है। सो डरन की लोड़ नहीं, एकता बनाओ, अंदोलन होर मजबूत करिए ताकि ये अंदोलन असी जत्थ वल नूं लिजा सकीए। अफवाहों तो बचन की लोड़ है किसी तरीके, जिवें कि मतलब परसों असी एक प्रेस वालों वीरां नूं मतलब फड़िया कि वह जिहड़े जी न्यूज़ वाले वो गलत नैगेटिविटी गलत अफवाहां फैला रहे सी, उन्हां सारियां गल्लां नूं ध्यान दे विच रख के अंदोलन वल नूं आपदा ध्यान रखना है। केवल साडी लड़ाई है तीन कानून, तीन कानूनों तो सिवा पासे ध्यान नहीं ले जाना, पासे ध्यान ले जाना ही साडे अंदोलन दे विच खड़ोत दा कारण बनता है। सो इस करके साडा इक्को इक निशाना है कि असीं तीन कानून वापस करवाने, MSP की गरंटी लैनी है और जिन्ना चिर साडी लड़ाई जारी रहेगी जिन्ना चिर सरकार मनती नहीं उन्नी देर तक सानू अंदोलन जारी रहेगा। यह साडा मतलब फाइनल फैसला समुचे संयुक्त किसान मोर्चे का और वो असी एकजुट होकर लगे हुए हैं। धन्यवाद जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।